सागर जिले के जैसी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम हेत्र खेड़ा के पास यात्री बस और डंपर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बस में सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए, जिनमें से 5 से अधिक यात्री गंभीर घायल हैं। वहीं डंपर का ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गया है, जिसे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना में बस और डंपर ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही तुरंत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का बेहतर इलाज को लेकर निर्देश दिए। अभी मुझे अभी 1 घंटे पहले पता लगा कि जैसी नगर के पास हिंडखेड़ा गांव है, वहाँ एक डंपर और बस का एक्सीडेंट हुआ है। बस भोपाल से आ रही थी, एक व्यक्ति के ड्राइवर की मृत्यु होने की खबर है। होने की मुझे जानकारी दी गई। बाकी लोग जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है। सारा प्रशासन और हमारे सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हमारा पहला काम ये है कि जो लोग घायल हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, सुरक्षित अपने घर जा सके। सभी के लिए, घायलों के लिए स्पॉट जहां घटना घटी है वहां के बाद अस्पताल लाया गया है और BMC अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री से कल बात भी करूँगा, घायलों के लिए और जो मृतियों के लिए जो भी संभव होगा सरकार की तरफ से मदद भी दिलाने का प्रयास करूँगा। घायल कुल 14 लोग आए थे, 2 लोगों की अभी मुझे बताया गया डॉक्टर के द्वारा उनकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी 12 लोग घायल हैं, 1 उसमें थोड़ा गंभीर है, बाकी लोग ठीक स्थिति में हैं और डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, घायलों के लिए मिलेगी, मेरे परिवार के लिए मिलेगी। मैं घोषणा कल